गिरफ्तार किया है। बीस का देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। माइक ऑन सर, माइक ऑन कि जिस दोहरे हत्याकांड की तफ्तीश पुलिस कर रही थी, उस तफ्तीश के दूसरे आरोपी जाबिद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूं। तो उसका ये कहना है कि दोनों भाई एक बार्बर शॉप पे वहीं काम करते थे जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है। वहां करीब 4-5 सालों से काम करते थे और जो भाई था उसका साजिद, उसका पीड़ित परिवार से वाकिफियत भी थी, उसके यहाँ उनका आना जाना भी था। घटना के दिन की बात उसने बताई है कि वो लोग जैसे रूटीन में हर दिन वो 8-8:30 के आसपास अपने गांव से चल करके मोटरसाइकिल से आते थे। वो दोनों आए और उस दिन उनका भाई थोड़ा गुमसुम भी था, साजिद की बात कह रहा हूँ। जावेद ने अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया, उसने कई लोगों की शेविंग भी की, बाल भी काटे। 10:30 के आसपास जो साजिद था उसने कहा कि उसे कुछ दिक्कत आ रही है, वो किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की बात करके गया और करीब 1:30 के आसपास वापस आया। वापस आने के बाद उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पूछताछ में ये भी तथ्य निकल के आए हैं कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था और उसके पिताजी ने उसको पीर और यहाँ जो छोटे सरकार और बड़े सरकार हैं वहाँ भी उसको काफ़ी ले जा करके उसको दिखाया। इनफैक्ट 10 साल की उम्र में जब वो काफ़ी बीमार पड़ गया था और उसको वो ठीक नहीं हो रहा था तो उसके पिताजी ने वहाँ एक झोपड़ी डाल ली थी बड़े सरकार में और बच्चे को लेकर के वहाँ काफ़ी समय तक रहे थे उसको ठीक करने के लिए। किस तरह की बीमारी थी इसके बारे में अभी हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये अवश्य बताया गया है कि वो जब उसको इस तरह की दिक्कत आती थी तो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता था और उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो और इस इमोशनल अपहीवल के टाइम पे उसने ये भी बताया है कि उसके भाई ने कि एक दो बार उसने अपने आप को डैमेज करने की भी कोशिश की। एक बार उसने चूहे मारने की दवा भी खा ली थी जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज भी हुआ था और अक्सर वो इस तरीके से थोड़ा वायलेंट हो जाता था और घर वालों के नियंत्रण में नहीं आता था। उस दिन जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से 1:30 के आसपास उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है एक गवाह के बयान से। शाम को करीब 5:30-5 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके यहाँ से वो चाकू खरीदा गया था, उससे भी पूछताछ हो रही है। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है तो इसने कहा कि मैं रमज़ान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूंगा इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूँ। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है, विनोद के घर के जाने के लिए। जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जा करके उसने वहाँ घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब इसने देखा कि वो नीचे से ही देखा कि वो खून से सने कपड़ों में वहाँ छत पे दिखाई पड़ा तो ये घबरा गया। वो नीचे आए और दोनों भाई वहाँ से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहाँ से मौका देख करके छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जावेद तो भाग ही गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन कपड़ों में एक व्यक्ति शेखुपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है तो पुलिस ने वहां घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पर फायर किया जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए, तो
तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था। जो अभी पकड़ा गया है उसके से भी और पूछताछ की जा रही गहराई से, और उसके द्वारा जो भी अन्य फैक्ट्स बताए गए हैं वो विवेचना का पार्ट है, जिनके बारे में हम लोग अलग से तफ्तीश कर रहे हैं। दोनों साथ गए थे, जावेद का ये कहना है, देखिए हमारे पास अभी मुलजिम का वर्जन है जिसकी अभी क्रॉस चेकिंग बाकी है, उसका कहना है कि साजिद अकेला गया था, मैं नीचे खड़ा था। आसपास के जो कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ की, उनका भी ये कहना है कि जावेद वहां दिखाई पड़ा है। मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था, और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, चूंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी, और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था, एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में ही खराब हो गए थे, ये एक बात निकल के आई है, और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या तंत्र मंत्र की वजह हो सकती है हत्याकांड के पीछे? देखिए इस कंजेक्चर पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है, और उनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। चूंकि इनके यहाँ वाकफियत थी ऐसा लगता है, उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके 2 बच्चे भी थे, अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी कुछ और चीजें की भी जानकारी मिलने की संभावना है, जिसपे हम अपनी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। दोनों वहां साथ में गए थे और कॉमन इंटेंट था, और भागने में भी दोनों साथी थे। उसका कहना है, अभी तक उसने कहा है कि साहब जब वो छुरी लेके आया था तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो हत्या करने जा रहा है, लेकिन उसके वायलेंट नेचर के बारे में उसको पता था, और ये भी पता था कि जब वो घटना करने ऊपर गया, जब नीचे लौट के आया तो वो घटना करने आया था, और दोनों साथी वहां से भागे। उसके विषय में अभी उसने कुछ नहीं बताया है, पूछताछ अभी जारी है और अभी और तथ्यों का पता लगाया। एक सवाल है, जावेद जब भागा है और जब उसे बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने अपना एक वीडियो वायरल किया, उस वीडियो में साफ तौर पर कह रहा है कि वो घटनास्थल पर था ही नहीं, हुआ वहां पर गया ही नहीं, वो डर से भाग गया, लोगों ने उसे फोन किया कि तुम्हारे भाई ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद वो भाग गया दिल्ली से, वो फिर बरेली आए तो उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए, तो इस बात का डर था। ये वीडियो वायरल किया गया है जावेद की ओर से, ये वीडियो प्राप्त हुआ है जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं, और आज उसने बरेली जनपद में एक तरीके से अपने आप को आत्मसमर्पित किया है, ये बात भी सही है, वहां से पुलिस उसको लाकर के पूछताछ कर रही थी। घटना के बारे में उसने जो कुछ भी बताया वो उसमें शामिल था या नहीं था ये उसका वर्जन है, और जो कुछ भी हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं हम उनकी जांच पड़ताल कर रहा था। वो कौन व्यक्ति कह रहे हैं कि पुलिस वहां पहुंची थी तभी दरवाजा खुला, और क्यों बाइक से लेके आया था और बाइक पे बैठा था, सर इसको दिया है देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, घर वालों ने आप लोगों से क्या कहा है वो एक अलग बात है, हम लोगों ने उनसे जो अलग से बात की है, पूरी जांच पड़ताल की है, वो उस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जो कुछ भी हमने अपने फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं हम उन सब की जानकारी कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन ही दिखता है कि संगीता कह रही है कि मैं उससे जिंदगी में पहली बार मिली हूं, अभी जो जावेद कह रहा है कि वो उसके घर जाया करता था, रिलेशन कोर्डियल थे, आना जाना था, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या संगीता से सवाल नहीं किया जाना चाहिए इस मामले? देखिए जैसा मैंने आपको बताया कॉन्ट्राडिक्शंस अगर हैं तो उन सारे कॉन्ट्राडिक्शंस की जांच की जाएगी, संगीता से भी बात की जाएगी, आज उनके घर के लोगों से भी डिटेल में हम लोगों की वार्ता हुई है, और सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, विवेचना अभी पूरी तरह से ओपन है, तो अभी इसमें जितने भी फैक्ट्स आएंगे सबको एग्जामिन किया जाएगा। सर, क्या है? क्या है? क्या है?
पुलिस को हवाले किया गया, पुलिस को हैंडओवर हुआ है। सर एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है, आपने एफआईआर, आप मैं आपको एफआईआर के बारे में बताना चाहूंगा कि एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं है कि पुलिस को हैंडओवर किया गया, एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि वो भीड़ के हाथों से छूट के भागा। सर जो पहला स्टेटमेंट आया था आईजी साहब का, स्टेटमेंट आया था उसमें जिक्र किया था एक आरोपी है, आईजी साहब का जो स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि एक ही आरोपी है, उसके पीछे लगातार पुलिस प्रयास कर रही है उसे पकड़ने का। देखिए मौके पे जो स्टेटमेंट आया और मौके पे जो जानकारी हुई, आप जानते हैं कि विवेचना जैसे जैसे बढ़ती है उसमें नए फैक्ट सामने आते हैं। जो फर्स्ट फैक्ट है, भागा था वो ये लिखा हुआ है एफआईआर में, आप इस बात को मानते हैं? उसके पास से चाकू बरामद हुआ था, वो मर्डर करके जब गया था तमंचा उसके पास कहां से? आपके पास जो एफआईआर है वो एफआईआर हमारे पास भी, इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और उसी डॉक्यूमेंट को मैं कोट कर रहा हूँ कि वो भीड़ के हाथों से निकल कर भागा, उसमें पुलिस का कोई जिक्र नहीं है कहीं पे। ये आसपास के बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। सर कितनी देर तक साथ भागे थे? सर इसके विषय में जांच पड़ताल कर रही है। सर इस पूरे मामले में दो अहम सवाल है, उनके क्लियर जवाब दीजिए। पहला कि जावेद और साजिद उसके घर में क्यों गए, एक ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको इलाबोरेट कर दीजिए। और दूसरा क्या मोटिव था, जावेद को भी पता था या अचानक है ये मोटिव? और दोनों देखिए आपके दोनों सवाल जो हैं वो दोनों सवाल के बारे में ये बताना चाहूंगा कि साजिद इस प्री कंसीव्ड इंटेंट के साथ गया था कि उसको ये घटना करनी है। जावेद अभी इस बात को कह रहे हैं कि उनको ये पता नहीं था, हम उनकी बात को रिलाय नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में अभी और जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम उनसे पूछताछ करें, वो हमारे पास है, इसमें जैसे चाय निकल गया है। एक मिनट में आपको दूसरी बात कर, उसको स्टडी किया जा रहा है। देखिए सर्वेलांस की रिपोर्ट को यहाँ उजागर नहीं कर सकते, हम उसको स्टडी कर रहे हैं और जो अपराधियों के द्वारा जो जावेद के द्वारा जो बताया जा रहा है उसको हम कॉरोबरेट करा रहे हैं उस बात से। ये सब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर आपको बारी बारी पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। देखिए मैंने आपको बताया, एक मिनट मैंने आपको बताया जो फैक्ट्स हमारे पास हैं, जितने भी फैक्ट्स मेरे पास निकल के आए हैं वो फैक्ट्स मैंने अभी आपको यहाँ बताए हैं। बाकी जो फैक्ट्स मेरे पास हैं दे नीड एग्जामिनेशन, उनका जवाब मैं अभी इसी समय आपको दे पाने के लिए सक्षम नहीं हूँ। आई नीड सम मोर इन्वेस्टिगेशन, वो करने के बाद ही मैं आपके बाकी सवालों के जवाब दे पाऊंगा। अभी तक जो मेरे पास फैक्ट्स थे, आप लोग अभी सवाल और पूछेंगे और सवाल काफी पूछेंगे, मैं जानता हूँ जो फैक्ट्स थे, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था। एक मिनट मेरे ख्याल से आप लोग बारी साजिद ने जावेद को क्या बोला कि उनके यहाँ हम क्यों चल रहे हैं? जाने का क्या मोटिव बताया सर जावेद ने? कुछ उसने जाने का, अभी जो जावेद का जो स्टेटमेंट हमारे पास है उसके हिसाब से उसने जाने का कोई मोटिव नहीं बताया। उसने बोला हम वहां चलते हैं और जब वहां गया तो उसने ये घटना करते हुए उसको देखा।